Hello my dear friends, now today in this video we are going to talk about how to crack NTPC exam in first attempt and that too without any coaching. So जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग टिप्स और कुछ स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जिससे हम लोग ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं. जैसा कि आप लोग जानते हैं NTPC का एग्जाम इसी महीने है, तो हमारे पास बहुत ही कम दिन बचे हैं इसकी प्रिपरेशन करने के लिए. तो अब इस वीडियो में मैं उसके नोटिफिकेशन की डिटेल्स में नहीं जाऊंगी. ऑब्वियसली बात है वो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, फॉर्म भरते टाइम आपने देखा होगा. अब इस वीडियो में मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी और कुछ बेसिक टिप्स की बात करने वाली हूँ. सो प्लीज मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और जो बेल आइकन है हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए उसे क्लिक करके. और अगर आपको कोई भी डाउट कहीं पे भी हो पूरे वीडियो के बीच में, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ लीजिएगा. सो आप सबको पता है कि इस एग्जाम में दो पार्ट में है, प्रीलिम्स और मेंस. हमारे पास सेक्शंस आएंगे जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और अरिथमेटिक. सो हमें बेसिकली इन चार सेक्शंस की अच्छे से तैयारी करनी होगी. अब हमें तैयारी जनरल साइंस सेक्शन की कैसे करनी है? सो माय फ्रेंड्स, उसके लिए आप लोग क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी की बुक्स उठाइएगा. एनसीईआरटी में कौन सी बुक्स आपको उठानी है? साइंस की बुक उठाइएगा. ओके, आप नोटिफिकेशन में आपको सिलेबस की डिटेल मिल जाएगी. मैं इधर टाइम नहीं वेस्ट करूंगी आपको और अपना उन टॉपिक्स को डिस्कस करने में. पूरी सिलेबस की डिटेल नोटिफिकेशन में दे रखी है और क्योंकि हमारे पास बहुत कम दिन है तो आई अज्यूम कि आपको ऑलरेडी पता होगा सिलेबस क्या है. तो आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी की साइंस बुक से अच्छे से वो टॉपिक्स पढ़ने हैं. आपको सब फॉर्मूलाज, रिएक्शंस, इक्वेशंस सब फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए. हर चैप्टर के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा उनके कॉन्सेप्ट को. बट हाँ, फॉर्मूलाज फिंगर टिप्स पे याद रखिए. आप सारे फॉर्मूलाज को एक पेपर पे लिखिए, अपने सामने स्टडी टेबल के सामने दीवार पे चिपकाइए, डेली उसको देखिए. बिलीव मी, आपको फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे. अब आएगा अगला सेक्शन जनरल अवेयरनेस का, उसकी तैयारी कैसे करनी है. तो उसके लिए आपकी जनरल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. अगेन आप एनसीईआरटी बुक उठाइए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड पॉलिटिकल साइंस की. कुछ टॉपिक्स आपको कॉन्सेंट्रेट करने होंगे अगर आप चाहते हैं आपका अच्छा स्कोर आए एग्जाम में. जैसे कि आपका हो गया पॉलिटी, पार्लियामेंट, इकोनॉमी, बजट, इन पे आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करिएगा. उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज है, आपको डेली के न्यूज़पेपर पढ़ने हैं. सो मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको हैबिट नहीं है तो आपको आप ऑनलाइन जाइए, गूगल पे जाइए, बैंकर्स अड्डा, बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी. आप उनमें से जाके सिर्फ करंट इवेंट्स की पीडीएफ डाउनलोड करिए. आप सिर्फ न्यूज़पेपर्स में मत पढ़िए क्योंकि आपको पिछले 3 महीने के न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे. आप सिंपल से पीडीएफ डाउनलोड करिएगा, आपको बहुत सारी साइट पे पीडीएफ मिल जाएगी हर मंथ की. तो बस आपको सिंपली 3 PDF पिछले 3 मंथ की डाउनलोड करनी होंगी और वो आपको अच्छे से मेमोराइज करना होगा. आप मैगजीन्स पढ़िए, द हिंदू पढ़िए. ओके, ये टॉपिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए जो आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट इस पे करना है. बाकी सिलेबस जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी आप लोग के साथ में है. आपके बुक्स एंड ऑथर्स, कंट्रीज, कैपिटल्स, करेंसीज, अवार्ड, ऑनर्स एंड रिकग्नाइजेशन, अगेन ये सब आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए. बहुत स्कोरिंग टॉपिक है ये क्योंकि इसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, सिंपल ऑप्शन देके टिक कर देना है. बहुत आसान है ये. अब आता है अगला सेक्शन जो है रीजनिंग का. बहुत सिंपल सा सेक्शन है ये. इसमें टॉपिक्स आपके बहुत सिंपल से होते हैं. ब्लड रिलेशन, कौन किसके पापा है, कौन किसका ग्रैंडसन है, ऐसा डिस्टेंस डायरेक्शन, नंबर एंड अल्फाबेटिक सीरीज, एनालॉजी, बहुत सिंपल से. अगर ऑब्वियसली बात है आप ये फॉर्म भरे, आपने और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आप लोग अपेयर किए होंगे तो आप लोग को ये सब बहुत अच्छे से आता होगा. तो आई गेस रीजनिंग भी आप लोग की स्ट्रांग होगी इस वक्त पे. और सिंस हमारे पास बहुत कम टाइम है तो प्लीज आई अज्यूम आप लोग बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे, नहीं कर रहे तो मेन टॉपिक से आपको कॉन्सेंट्रेट करना है. उससे बेटर चीज क्या है कि आप लास्ट ईयर के पिछले आप कह सकते हो 3 से 5 ईयर्स लास्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, देखिए क्या सिमिलैरिटी है पिछले क्वेश्चन में, वो सब सॉल्व करिए, पजल सॉल्व करिए. रीजनिंग भी बहुत स्कोरिंग टॉपिक है. इसमें बहुत सिंपली सिंपल आएगा, सिलॉग्स आता है. सिलॉग्स का वीडियो आपको मेरे इसी चैनल पे मिल जाएगा. सिलॉजिस में मैंने ऑलरेडी ट्रिक्स शेयर कर रखी है कैसे आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को एकदम सिंपल तरीके से और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में कैसे सॉल्व कर सकते हो.
ओके अब आता है अगला टॉपिक जो है अरिथमेटिक का. उसके लिए आपको सिर्फ हाई स्कूल की मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग रखनी है. प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, ये सब चीजें आती है जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. अगेन आपके फॉर्मूलाज आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए ताकि आप आराम से उसको सॉल्व कर सके. सिलेबस आपको ऑलरेडी पता है. अब आते हैं लास्ट चीज, आपको क्या क्या याद रखना है. तो सिंपल सा आपका थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए हर कॉन्सेप्ट के पीछे. आप टारगेट सेट करिए, आपको डेली 50 से 70 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उतना सॉल्व करिए. और सिर्फ टारगेट आपको क्वेश्चंस का नहीं सेट करना है, आपको ये सेट करना है कि हाँ भाई मेरे को 50 क्वेश्चन एक घंटे के अंदर डेली सॉल्व करने, ताकि आप लोग को टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने का आइडिया रहे. फॉर्मूला, ये रिएक्शन सब आपके फिंगर टिप्स से होनी चाहिए. आप लोग मॉक टेस्ट डेली दीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करिए, अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करिए. क्या आपकी वीकनेस है, कहाँ आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, फॉर्मूलाज नहीं याद हो रहे, फॉर्मूलाज याद करिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, केयरलेस मिस्टेक्स हो रही है, उसको इम्प्रूव करिए. ओके, तो ये है सिंपल से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. मैं कुछ टॉपिक्स अपने अगले वीडियोस में डिस्कस करूंगी. सो उसके लिए आप बस चैनल में बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिए. कोई भी डाउट हो आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं. थैंक यू.